तो ये बिहाइंड द सीन्स हमारे पॉडकास्ट के और ये हमारी पॉडकास्ट टीम है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस अनदर ब्लॉग। एक्चुअली काफ़ी दिनों बाद आज मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट दो महीने बाद। एक्चुअली मैं अपनी पॉडकास्ट सीरीज पर वर्क कर रहा था, सो इस वजह से थोड़ा सा ब्लॉगिंग से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। बाकी आज मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक्चुअली जो नया बैच आया हुआ है मेरे कॉलेज में, उसका जो है कल ओरिएंटेशन डे होने वाला है। सो उस ओकेजन पे जस्टिस राजेंद्र मेनन को इनवाइट किया हुआ है हमने, जो कि चेयरपर्सन है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के और फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। सो उनके साथ हमें एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है। सो ऑन दिस ओकेजन मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर ही देता हूँ, और कल ओरिएंटेशन डे भी है तो हो सकता है कि कुछ नए स्टूडेंट्स आपको मिला दूँ अगर हो पाता है तो। बाकी अभी जो है मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ भाई, ऑनेस्टली, क्योंकि अभी तक मैंने इतनी बड़ी किसी पर्सनैलिटी का जो है ना इंटरव्यू नहीं लिया, पॉडकास्ट रिकॉर्ड नहीं किया है। थोड़ा सा जजेस के साथ और मैं हेजिटेट इसलिए कर रहा हूँ शूट करने में, क्योंकि यार उनका अपना एक थोड़ा सा डेकोरम होता है, तो आप किस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं वो थोड़ा सा लिमिट में रह के करना पड़ता है। इस वजह से अभी फ़िलहाल जो है मैं अपने फैकल्टी एडवाइज़र के पास मिलने जा रहा हूँ, कल उसी चीज़ का डिस्कस करने और देख के भी आएंगे क्या चल रहा है अभी कैंपस में, सो चलते हैं वहाँ पर। इस कॉलेज से तो मैं आ गया हूँ, बाकी वहाँ पे ज़्यादा मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा था। एक्चुअल में जो प्लेस मैंने अभी आपको दिखाई ना, यहीं पे ओरिएंटेशन होने वाला है। सो मैंने अपने फैकल्टी एडवाइज़र से मिला और थोड़ी बहुत डिस्कस की कल की जो चीज़ें हैं। बाकी क्वेश्चन यार मैंने रफली तो प्रिपेयर कर लिए हुए हैं, बाकी एक बार उनको मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ रट लूँ भाई पूरा प्रॉपर उनको। बाकी देखते हैं यार, मेरा अभी तक अप्रोच ऐसा था कि मतलब मेरा यूजुअली आइडियल अप्रोच ऐसा रहता है, एक मिनट को लाइट ऑन करता। एक्चुअली मेरा अप्रोच जो रहता है ना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते टाइम, कि आपकी थोड़ी सी जो ओरिजिनलिटी होती है ना अंदर की, जो रॉनेस होती है ना, वो निकल के आए, थोड़ा सा कन्वर्सेशन इनफॉर्मल टाइप का चला है। अदरवाइज पॉडकास्ट और इंटरव्यू में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं जाता, बट अगर आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू लेते हैं ना तो थोड़ा सा सोच समझ के क्वेश्चन पूछना हो जाता है और एक प्रॉपर फ्रेम करके पूछना होता है, वहाँ थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से आप काम नहीं चला सकते हैं। बाकी ठीक है यार, अब करते हैं कोशिश, करते हैं जितना ज़्यादा बेस्ट हो पाता है मेरे से। बाकी मेरा थोड़ा सा यही रहता है कि मैं, मेरे से इनफॉर्मल में ज़्यादा मज़ा आता है, फॉर्मल हुआ नहीं जाता मुझसे। बाकी क्वेश्चन मैंने रफली प्रिपेयर कर लिए, एक बार प्रॉपर तरीके से उनको और फ्रेम कर लेता हूँ। बाकी ठीक है, कल 11 बजे का टाइम है हमारे पॉडकास्ट का, सो 9 बजे से 11 बजे के बीच में ओरिएंटेशन होगा, देन उसके बाद फिर हमारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने वाला है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। बाकी भाई साहब मेरी टेबल की हालत देख लो, इतनी घटिया हो रखी है ना भाई, मैं इसको साफ करता हूँ बट ये पता नहीं ऑटोमेटिकली फिर गंदी हो जाती है। The next morning. So hello everyone, this is next day. अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले ही तैयार हुआ हूँ, शूज वूज वगैरह सब पहन लिए, शर्ट पैंट सब पहन लिया, कोट और पहनने वाला हूँ इसके ऊपर से। बाकी जो मैंने आपको कल रात में बोला हुआ था ना कि मैं सारे क्वेश्चंस को रट लूंगा भाई, वो नहीं हो पाया मेरे से यार। पता नहीं पॉडकास्ट भाई, जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा है उस तरीके से आप फ्लो फ्लो में जो पूछ सकते हैं वो पूछ लो। अब वहाँ मेरे मन में जो आएगा मैं पूछते रहूँगा इन क्वेश्चन से भी या फिर अदर क्वेश्चन कोई आता है। सो भाई साहब फाइनल लुक हमारा कुछ ऐसा है, बाकी मैंने पहले पहन के नहीं देखा हुआ था, थोड़ी इसकी कॉलर उठ रही है अजीब सी, पता नहीं क्यों। बाकी ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन वगैरह प्रिपेयर कर लिए हैं, अभी काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, सो जल्दी से चलते हैं, बुला रहे हैं मुझे वहाँ पे। बाकी भाई साहब आज का वेदर पता नहीं बारिश बारिश वाला हो रहा है, तो यहाँ पे टेंट वेंट वगैरह लगा हुआ है, सो दैट बारिश अगर हो भी जाती है तो शेडेड टाइप की हो एटलीस्ट कम से कम। ब्लॉग वॉल ले लेते हैं भाई साहब, सेटअप रेडी है हमारा। ऑल थैंक्स टू मानवी, नहीं आते मानवी जी क्या? अरे ये अच्छी क्वालिटी नहीं आती भाई, डीएसएलआर होता है ये। देखो भाई तीन तीन कैमरे का बजट बढ़ गया हमारे डीएनएलयू को, तीन तीन कैमरे का सेटअप है। भाई साहब वेट कर रहे हैं हम लोग अभी जस्ट साहब का। तो फिर अभी आगे का क्या प्लान है आज का? आज कुछ नहीं प्लान है भाई, जहाँ फ्लो में बह जाएंगे उसी चीज़ पे डिस्कस हो जाएगा। क्वेश्चंस हमने कुछ प्रिपेयर कर लिए हैं, बाकी देखते हैं, ट्राई करेंगे कुछ सारे कवर कर लें। तो ये बिहाइंड द सीन्स है हमारे पॉडकास्ट के और हमारी पॉडकास्ट टीम है मानव भाई, मानवेन और सीरियल भाई, दोनों बहुत हार्ड वर्किंग बंदे हैं और ये लोग हैं जो मिल के अभी तक डीएनएलयू पॉडकास्ट पे बनाए रखे हैं जान। सही बात है, ये लोग रन कर रहे हैं भाई, तुम्हारे ऊपर है कमांड, तो अब तुम जैसा करो उसको आगे। और ये हमारा सेटअप है,
मिलते हैं फिर पॉडकास्ट के बाद, सर का एक्सपीरियंस पूछेंगे कि कैसा लगा। नर्वस हो रहे हैं अभी तो? मतलब कल तक तो मैं भाई बहुत ज़्यादा नर्वस था, कसम से बता रहा हूँ, क्योंकि कल तक मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था क्वेश्चन वेशन। रात में बैठ के मैंने 4 बजे तक प्रिपेयर किए और सुबह उनको फिर 2-3 बार मैंने पढ़े हैं ताकि भूल ना जाऊँ वहाँ पे। ऑल्दो एक पर्चा रहता है, बट यार क्या होता है कि आप क्वेश्चन तो फ्रेम कर लेते हो बट एज इट इज़ वहाँ नहीं बोल सकते रट के, तो वो फिर बहुत ही बोरिंग टाइप का इंटरव्यू हो जाता है। और वहाँ पर तुरंत आप नया सेंटेंस फ्रेम करते हो तो थोड़ा सा उसमें क्या है ना, आप कई बार डगमगा जाते हो। और सामने अगर ऐसा बंदा बैठा हो, ऐसा बंदा बैठा हो इतना बड़ा, आप दोस्त से बात कर रहे हो ठीक है भाई, यहाँ बात चल रही है अपनी एक दूसरे से, उसमें कोई मफल नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा बैठा हुआ है जो थोड़ी सी अथॉरिटी बड़ी है, या उसके बाद आपको पता है कि भाई इसको बहुत सारे लोग देखने वाले हैं और इससे आपको जज करेंगे लोग शायद, हो सकता है, तो थोड़ा सा लगता है अंडर कॉन्फिडेंट टाइप का। बाकी ठीक है, करते हैं, अपना बेस्ट देंगे अपन, जैसा भी होता है। एटलीस्ट अपन कैमरे के सामने आ रहे हैं, नहीं तो भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, सोचना सर। आई ऑल्सो रन माई यूट्यूब चैनल ऑन। अच्छा, तो सर उसमें मैं क्लैट एस्पिरेंट्स को मेंटर करता हूँ। अच्छा, एन एल यू की लाइव दिखाता हूँ। सर अगर आपका कोई मैसेज है क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए जिनका मे बी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या फिर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वहाँ एडमिशन नहीं मिल पाता उस तरह के कॉलेज में, तो सर आपका क्या मैसेज है उनको? मैसेज उनका ये है कि मेहनत करो, कोशिश करो, हो सकता है कि तुम्हारे लिए और कुछ कहीं और अच्छा रखा हुआ है तो उसमें चले जाना है ना, या तो फिर जो क्लैट के कॉलेजेस में है दूसरे भी कोई कॉलेज है वहाँ भी पास करो, लॉ ग्रेजुएट हो जाओगे, तुम्हारे में अगर अंदर काबिलियत है तो इवन ऑर्डनरी कॉलेज, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी ना मिले, ऑर्डनरी कॉलेज से भी निकल के वही चीज़ कर सकते हो जिंदगी में जाके जो क्लैट के थ्रू कर सकते हो। सर जो NLU सेंट्रलाइज नहीं हो पा रही उसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब जनरली आई एम आस्किंग? हाई कोर्ट्स और स्टेट अपना पावर नहीं देना चाहती है इस दुनिया में, नोबडी वांट्स टू पार्ट विथ हिज पावर है ना। सेंट्रलाइज हो जाएगी तो अभी 22 सेंटर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, हो सकता है वो 2 सेंटर में चली जाएगी तो 20 क्या करेंगे, तो वो 20 अपोज करेंगे। बहुत अच्छा रहा हमारा से सर, शुक्रिया आपसे मोटिवेट करने के लिए। तो आज माधव ने पहली बार फाइनली एक सेशन ले लिया है। नहीं नहीं, मेरा ये तीसरा सेशन था भाई, भाई साहब सर जा चुके हैं, मतलब कि जिनका हमने इंटरव्यू लिया, जस्टिस राजन मेनन सर, जस्ट चेयरपर्सन AFT नॉट चेयरमैन, गलती से लिख दिया था भाई मैंने वो सोशल मीडिया पे कि चेयरमैन है वो, चेयरपर्सन AFT के। सो काफ़ी अच्छा यार, बहुत डाउन टू अर्थ, और जितनी नर्वसनेस मेरे को फील हो रही थी ना भाई सब खत्म हो गया था। बाकी भाई साहब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और ठीक है अभी ओरिएंटेशन लूँगा तो चल ही रहा है, दिन में पूरा चलेगा आज। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये मेरी टीम से मिल लो पहले भाई, लोग बहुत हार्ड वर्किंग है ये दोनों, और बाकी टीम अभी है नहीं एक्चुअली, हमारे 14 मेंबर हैं मीडिया कमेटी में, सो सारे हार्ड वर्किंग है ये दो अभी थे। बाकी इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट, दो बार कर चुका हूँ। I also want to thank MedWestern for efficiently running any media program in our university. Thanks, you, Madhav. Thank you so much. AKA, thank you so much. MedWestern. So thank you for watching. Milte next vlog mein. Bye.